Good afternoon, friends. We are honored and delighted to welcome all of you at this first interaction of the Honorable LG with all of you. And I thank you, sir, for consenting to give time to us for this very first interaction. I also welcome Chief Secretary J&K, Financial Commissioner Health, and my other colleagues here. And with these few words and welcoming all of you, I hope we have a nice interaction. And may I request you, sir, for your opening remarks. Friends, abhi jaisa hamare सचिव सूचना ने आपको बताया, मुझे लगता है ये इंटरेक्शन नहीं है। पीछे जब मैं आप सबसे मिला था तो चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में आपसे इस संवाद के काम प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे। मैं बात शुरू करूं उसके पहले एक विंस्टन चर्चिल ने अपने पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बात कही थी वो मैं चार लाइन आपको दोहराना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा चैम्बरलिन विंस्टन चर्चिल के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और ये भी सर्वविदित है कि दोनों के रिश्ते बड़े खराब थे, लेकिन जब वो ट्रिब्यूट पे कर रहे थे पार्लियामेंट में तो विंस्टन चर्चिल ने जो बात कही वो मैं केवल उद्धृत करना चाहता हूं। द ओनली गाइड टू ए मैन is his conscience. The only seal to his memory is the sincerity and rectitude of his actions. It is very, very imprudent in life to go without this seal. But with this seal, however the fate may play, our march is always in the rank of honor. Ever since I read these words nearly 20 years ago in the biography of Winston Churchill, they were impressed on my mind and I decided that these lines will be the guiding principles of my life. So I quoted it. बातचीत के दौरान उस दिन कि प्रशासन उत्तरदायी हो जवाबदेह हो इस दिशा में हम आने वाले हम सब कोशिश करने वाले हैं। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया है और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के तीन जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करें उसके पहले हर जनपद में ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इसकी विशेषता हमारे सिमरनदीप बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका नाम JKI ग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है सीपी ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। डिटेल में सिमरनजीत बताएंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आपको राइटअप भी मिलेगा। कॉल सेंटर्स भी श्रीनगर और जम्मू में इसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। डैशबोर्ड चीफ सेक्रेटरी भी देखेंगे, मेरे पास भी रहेगा और बाद में
एक व्यवस्था और भी की जाएगी कि जो क्लेम किया जाएगा कि रिड्रेसल हो गया है, हर जिले से ऐसे दो लोगों को चिन्हित करके महीने में हम भी बुलाएंगे, सामने उनसे पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर संबंधित अधिकारियों से भी उस समय बात की जा सकती है। ये व्यवस्था इसमें हम आगे करने वाले। आप सब भी उस दिन चर्चा कर रहे थे, कल जम्मू में भी कुछ प्रेस के साथी कह रहे थे कि प्रशासन के लोग जरा उपलब्ध नहीं है, तो एक व्यवस्था और निर्णय हुआ है कि सभी डीसी और एसपी हफ्ते में 5 दिन 5 days a week वेडनेसडे और संडे छोड़कर के 10:30 to 11:30 AM दे विल बी अवेलेबल इन देयर ऑफिसेस, और जो भी चाहे उनसे जाकर के मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी, इनके लिए भी अनिवार्य किया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा निर्णय हुआ है और मुझे बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता है। आप सब आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। पूरे देश में बहुत ही सफलतापूर्वक देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा ये योजना प्रधानमंत्री जी वाली उपलब्ध करा रही है। यहां भी एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत, उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहां किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे उस समय हम इस योजना का भी शुभारंभ हम करें और शीघ्रातिशीघ्र जम्मू बहनों भाइयों को ये सुविधा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय थे, मुझे लगा कि आपके बीच आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा से हमें 2 कदम मैं चाहता हूँ। पहले दिन मैंने कहा था कि आपका सुझाव किसी भी विषयों को ठीक करने में, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आलोचना का भी हम स्वागत हूँ। थैंक यू। अगर आप लोग कहें तो सिमरन जी 5 मिनट में ये जो आज स्कीम लॉन्च हुई है ग्रीवांश रिड्रेसल की, उसका विवरण आपको रख देंगे। ये है इस पोर्टल की कि ये पोर्टल भारत सरकार के ग्रीवांश पोर्टल जिसे सीपी ग्राम्स कहते हैं उसके साथ भी ये इंटीग्रेटेड है। बोथ वेज भारत सरकार से भी ग्रीवांश हमें नीचे आ सकती है, और अगर हमारे दफ्तर में कोई ऐसा ग्रीवांश किसी ने भेजा है जो भारत सरकार को पटेन करता है, हम भी उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं भारत सरकार को सीपी ग्राम्स पोर्टल के थ्रू। सो इसलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड है, जेके आई ग्राम्स, सो इंटीग्रेटेड इज मेंट फॉर दैट। इसमें 4 ब्रॉड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होंगे, जो एलजी साहब के एक डैशबोर्ड होगा जो सबसे प्राइमरी डैशबोर्ड होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब का डैशबोर्ड होगा जो पूरी यूटी को देख सकते हैं 260 डिपार्टमेंट और 20 जिलों में। इसके अलावा हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का अपना डैशबोर्ड होगा, वो अपनी पेंडेंसी देख सकते हैं, और हर डीसी का ऑब्वियसली अपने जिले का डैशबोर्ड होगा, जितने वहां पर ऑफिसेज मैप्ड हैं उनको देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एलजी साहब ने बात कही, इसमें क्वालिटी ऑफ द ग्रीवांस और क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल, नॉट ग्रीवांस, क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल पे बहुत ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह का जवाब सिटीजन को दिया गया है, और रैंडम बेसिस पे जितने भी ऑफिसेज मैप्ड हैं
उनके कुछ लोग जिनके ग्रीवांसेस या डिस्पोज हो गए हैं या पेंडिंग है वो मंथली बेसिस पे उठाए जाएंगे और एलजी साहब को उनके क्वालिटी पे बताया जाएगा और फिर एलजी साहब ने जैसा बताया कि वो भी बात करेंगे और खुद सिटीजन से पूछेंगे आपका कैसा रहा पूरा जो इस एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ और जाहिर सी बात है ऑफिसर्स के साथ भी वैसे ही बात होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट जेके आईग्राम्स www.jkgrievance.in पे आप इसको विजिट कर सकते हैं और आप भी इसके बारे में सूचना आपको देता हूँ. पहले किसी का ट्रांसफार्मर खराब हो गया या जल गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को कहता. अब ये व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया है तो उस जिले का डीसी ही वही कंप्लेन करिए और वही उसका रिड्रेसल करेगा ताकि वो अनावश्यक उनके पास नहीं है नहीं है ये व्यवस्था लागू की जाए. ये जेके हेल्थ स्कीम के विषय में हमारे जो सेक्रेटरी हैं तो ये बताएंगे. एक मुझे आप सबसे आग्रह करना है जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य का नाम आयुष्मान भारत इसका भी एक नाम हम तय करना चाहते हैं और अपने से या यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर के नहीं तय करना चाहते हैं. आपसे मेरा आग्रह है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप नाम भेजिए आज हम उसके लिए व्यवस्था कर देंगे. तो एक समिति बना देंगे जो सबसे अच्छा नाम होगा इस योजना का नाम वही दिया जाएगा. ये मुझे आपके बीच रखना. थैंक यू सर. आई विल बी ब्रीफ. टुडे अ हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल विच अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रोल आउट जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ स्कीम इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कन्वर्जेंस विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. The scheme shall be implemented through an insurance service provider who has been discovered through transparent competitive bidding. 1.25 crores will be covered under this scheme. Under J&K health scheme, portability option will be available so that a beneficiary can avail the cashless service from any of the healthcare providers or hospitals anywhere in the country which is impaneled under Ayushman Bharat. At present, 23,300 impaneled hospitals across India and where this facility can be availed. This includes 218 public and private hospitals impaneled in J&K. 1,592 medical packages have already been approved under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Yojana to which all the beneficiaries scheme will have access. This includes packages of life-consuming diseases such as cancer and kidney failure. Treatment of COVID-19 will be under the scheme. All high-end treatments of oncology, cardiology and nephrology will be covered from day one. The high-end diagnostic treatments during hospitalization will also be covered. There will be no restriction on the family size or age and all the pre-existing medical conditions shall also be covered under the scheme. The scheme shall cover 3 days of pre-hospitalization, the hospitalization period and 15 days of post-hospitalization including diagnostic care and expenditure on medicine. The socio-economic caste census 2011 data will be used for identification of families. The families suffering from any of the deprivations defined under SCCC are already covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. However, under J&K health scheme, the remaining families including those who do not suffer from any deprivation will also be covered. In case any scheme is left out from the database of SCCC 2011, the procedure for inclusion of the database has also been approved by the Administrative Council. The Administrative Council also approved release of funds required for implementation of the scheme, and the total annual financial implication for the scheme would be 123 crores. The Administrative Council also approved launching of beneficiary registration drive in which golden cards or e-cards will be distributed among the beneficiaries. The said drive will start within a week. However, these cards will become active from the date the scheme is formally launched. Thank you. So, अब ये
सबके साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये सुविधा है, तो इस पर तो मुझे लगता है कि आपको प्रसन्न होना चाहिए। कोई विषय अगर इससे संबंधित हो तो जरूर पूछें। रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स विच वी हैव मेंशन। तो मेरा नाम फरहत है, मैं ईटीवी भारत के लिए यहाँ रिपोर्ट हूँ। आपने जो ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनेट है, 4G इंटरनेट, विच वी हैव बीन डिप्लॉयड ऑफ फ्रॉम द लास्ट मोर देन ओवर ईयर, एंड इज दैट गोइंग टू बी रेस्टोर्ड सो दैट पीपल कैन अवेल द फैसिलिटी विच यू हैव लॉन्च टुडे। थैंक यू। देखिए, उसकी चिंता की गई है और जो बात आपने उठाई है में है उस पर भी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इसको आगे करने वाले हैं। तर्जमुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल। सर, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो सर हरब ग्रुप के इंजीनियर थे 2003 से काम करते रहे, और लास्ट एलजी जो थी जीसी मुर्मू साहब, तो आखिरी लम्हात में उस ऑर्डर को रिवोक किया गया। और इसी के साथ क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सर, तो मनरेगा में जो लोग काम करते थे काफी तादाद में, काफी टाइम से ये स्कीम चल रही है, वो लोग भी स्ट्राइक पे हैं और वही ग्रुप जो है वो फिलहाल काम नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये जो दो विषय हैं जिस पर बातचीत हो, आपने ध्यान में लाया है, अच्छी बात है, मैं इसको विचार करूंगा। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद मुकरम है, मैं स्टेट टाइम से बिलोंग करता हूं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि पब्लिक आउटरीच होना जरूरी है। यहाँ पे जो ऑफिसर लोग है, ब्यूरोक्रेट लोग है, जो भी ग्रीवेंस डालता है, फिर लोगों को पता नहीं चलता उस ग्रीवेंस का क्या हुआ, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेक्रेटरेट लेवल पे, हर किसी लेवल पे। अब तो उसी का इंतजाम किया, मैंने ये जो इंतजाम है उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और दूसरा, डीसी और एसपी भी 5 दिन सप्ताह में लोगों से मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर और आईजी भी मिलेंगे, जो आप बात कर रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है। और जरा वॉच करिए, मुझे लगता है फिर हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, और कोई कमी जाएगी तो उसको फिर आगे सुधारेंगे। एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जो व्यवस्था है ना, ये डिपार्टमेंट अपनी गलती तो कभी, ट्रांसफार्मर हो या पानी हो या सड़क हो, इसीलिए डीसी को सबसे नोडल बनाया है, और रिजोल्यूशन उसी लेवल पे होता है। ट्रांसफार्मर के लिए चीफ इंजीनियर की जरूरत नहीं है, लोकल लेवल की है। तो पूरी मॉडल बदल दिया गया है, वेरी यूनिक। अब एक महीने में रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। दूसरा, जैसे सिमरनदीप ने बताया, आप एक्चुअली इंडिविजुअल कंप्लेनेंट ट्रैक कर सकता है किस डीसी के पास है, किस एक्सीएन के पास पहुंचा है। आज की तारीख का आपको केवल ये पता चलता है कि पीएचसी में है, पीएचसी में किसके पास है आपको नहीं मालूम, अभी लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व। और इसमें आपका फीडबैक भी लिया जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। सर, मेरा नाम शेख तारिक है, साक्षी से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है, खासकर जो हमारे ऊपर ये पाबंदी लगी है, इसको कब आप हटाओगे, ये मेरा। अरे, मैं तो आपको निमंत्रण देके पूछा पाबंदी कहाँ है, मैं आपके साथ चाय पीने वाला, आप कह रहे हैं पाबंदी है। हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पाबंदी। यही बात, एकदम कोई पाबंदी नहीं, जब चाहिए तब आप आ जाइए, हम बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। May I invite everybody to join us for a cup?